नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रों में देश भर के मंदिर सजाए जाते हैं, जहाँ पूरे 9 दिन माँ के सभी रूपों की पूजा की जाती है। मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। दूर दराज से श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भक्त माँ शैलपुत्री से अपने परिवार की सुख शांति की मन्नतें मांगते हैं। वहीं इस बार की नवरात्रि में पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिरों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए। बता दें कि भगवती दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने से उन्हें शैलपुत्री कहा गया। इनका वाहन वृषभ है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। इन्हें पार्वती का स्वरूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी। इनके दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, परंतु इस बार कोरोना वायरस के चलते मंदिरों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग भी जनता कर्फ्यू के कारण माता के दरबार नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक जगह ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए मंदिरों में पहले नवरात्रि में बंद पड़े हैं विद्यावासिनी के चारों द्वार।